पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन में बुरी तरह पिछड़ रहा है रूस। उत्तरी इलाकों में वापस रूस और बेलारूस लौटी फौज। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में ही बचा है रूस का दबदबा। इजियम शहर पर अभी रूसी कब्जा। बोरोडियांका में दो ध्वस्त इमारतों के मलबे में मिले 26 शव। दोनों इमारतों के बेसमेंट में आम लोगों ने ली थी शरण। रूसी सेना ने बरसाए बम। डिवीजन में अब तक 650 शवों के मिलने का दावा। 40 बच्चे शामिल। 44वें दिन यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। मिसाइली हमले में ताजा तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन में सैन्य ठिकानों को चुन चुनकर रूस ने बनाया निशाना। टैंकों से बरसाए जा रहे हैं बम। यूक्रेन के बोर्डियांका में दिखी तबाही की तस्वीर। धराशायी इमारतों के मलबे में जारी है जिंदगी की तलाश। बोर्डियांका की कई रिहायशी इमारतें बन चुकी हैं खंडहर। रूस के रॉकेट हमलों में हुई तबाह। जेलेंस्की ने किया बोरोडियांका में बूचा जैसे नरसंहार का दावा। इमारतों के मलबे में शव दबे होने की आशंका। बोरोडियांका में कई दिनों तक था रूसी फौज का कब्जा। दो दिन पहले ही यूक्रेन के दोबारा कब्जे में आया शहर। यूक्रेन में कई मोर्चों से पीछे हटी रूसी फौज। क्रेमलिन ने मानी बड़े नुकसान के बाद। चर्निहिव में भी नजर आया तबाही का मंजर। मलबा हटाने का काम जारी। मारियोपोल में रूस के हमले जारी। कई इमारतों में लगी आग। दूर से नजर आ रहा है काला धुआं। यूपी में योगी के बुलडोजर ने फिर पकड़ी रफ्तार। शामली में गैंगस्टर को पनाह देने वाले मुखिया का अवैध निर्माण ध्वस्त। बिजनौर से बुजुर्ग की हत्या के आरोप पर प्रशासन की कार्रवाई। ग्राम समाज की जमीन पर बनाए अवैध मकान पर चला बुलडोजर। प्रतापगढ़ में गैंगरेप के आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस की टीम। सरेंडर नहीं करने पर मकान गिराने का अल्टीमेटम। अंबेडकर नगर में गैंगरेप के आरोपियों ने किया सरेंडर। एक दिन पहले घर पर बुलडोजर ने दी थी दस्तक। बरेली में एसपी नेता के खिलाफ कार्रवाई पर गरजा विपक्ष। कहा योगी के खिलाफ बोलने की मिली है सजा।